हेलो एवरीवन, आज हम बारीक मेथी की भाजी बनाएंगे। यह बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक भाजी है, इसे विंटर में ज़रूर खाना चाहिए। इस तरह से ये मार्केट में मिलती है, इसके छोटे छोटे ऐसे बंचेस रहते हैं। तो हम देख लेते हैं इसे कैसे बनानी है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बड़े टोप में पानी लिया है और उसमें आधा चम्मच नमक डाल दूंगी मैं। और अब इस मेथी को हमें कट करना है। इसे हम सिर्फ नीचे से ही कट करेंगे, जो जड़ों वाला पार्ट है उसे ही हम कट करेंगे, बाकी पूरी मेथी को हम यूज़ करेंगे उसके डंठल के साथ। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और इस नमक के पानी में डाल देंगे। नमक के पानी में इसीलिए डालना है क्योंकि इसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज या फिर जंतु रहेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए हमें इसे नमक के पानी में डालना है। और इसी तरह से हम सारी मेथी को कट करके इस नमक के पानी में डाल देंगे। अब मैंने सारी मेथी को कट कर लिया है। अब मैं इस मेथी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसके सारे जो जंतु है वो नष्ट हो जाएं। अब 10 मिनट बाद मैं अच्छे से मेथी को धो लूँगी। एक दूसरे बाउल में हमें पानी लेना है और हिलाते हुए ऊपर ऊपर से मेथी को दूसरे बाउल में डाल देना है। मैंने सारी मेथी को एक बार धो ली है, इसे 4 से 5 बार इसी तरीके से धोना है हमें। आप देख सकते हो कितनी मिट्टी, कितनी गंदगी निकली है उस पानी से। मैंने अच्छी तरह से मेथी को धो लिया है। अब मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी और 3 हरी मिर्ची ले रही हूँ। हम लहसुन को इस तरह से बारीक बारीक कूट लेंगे। इस तरह से हमें इसे दरदरा मोटा मोटा कूट लेना है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है मैंने। तेल अच्छे से गरम हो चुका है, उसमें मैं जीरा डाल दूंगी और लहसुन डाल दूंगी और उसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल दूंगी, उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम हमारी भाजी को कट कर लेते हैं। मैं इस भाजी को बड़ी बड़ी ही कट करूंगी, इसे ज़्यादा बारीक बारीक कट नहीं करूंगी। आप आपके हिसाब से कट कर सकते हो, आपको जैसे पसंद हो। इस तरह से मैं सारी भाजी को कट कर लूंगी। यहाँ पे हमारा कांदा भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ी कुक होगी उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ी गल जाए। अब ये थोड़ी गल चुकी है, इसे मैं ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं नमक और हल्दी डालूँगी। बस हमें ये 2-3 ही मसाले यूज़ करने हैं, इससे ही इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अगर हम इसमें ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। यह भाजी जितनी सिंपल रहेगी उतनी ही टेस्टी लगेगी। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। मैंने इसका ढक्कन निकाल लिया है, आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा पानी पानी लग रहा है हमें। इस भाजी को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, हम गैस की फ्लेम को हाई करके इसका सारा जो पानी है वो जला लेंगे। हमारी भाजी पक चुकी है, इसमें अब ज़रा भी पानी नहीं है।
बस हमें इसे ऐसे ही रखना है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। यह विंटर की बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक भाजी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।